हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जी क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी गर्मियों में पहनने वाले बचे हुए कपड़ों से बनने वाली कुर्तियों की लेटेस्ट डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो कुर्ती की डिज़ाइन आपको पसंद आए वो आपसे मिस हो जाए, क्योंकि मैं आज आपके लिए 120 प्लस कुर्तियों की डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि गर्मियों में पहनने के लिए है और बचे हुए कपड़ों से बनाई गई हैं। इसमें सारी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अंगरखा पैटर्न कुर्ती बना सकते हैं। चार पांच तरह के कपड़ों को जोड़कर इस तरह की कुर्ती बना सकते हो। दो तरह के कपड़ों को जोड़कर फ्रंट स्लिट कुर्ती आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की वन पीस कुर्ती भी आप बना सकते हो बचे हुए कपड़े का यूज़ करके। ये देखिए, इस तरह की कुर्ती भी आप आसानी से बना सकते हैं। प्लेन और प्रिंटेड कपड़े को मिक्स मैच करके इस तरह से आप कुर्ती बना सकते हैं। आप श्रग स्टाइल कुर्ती बना सकते हैं, विदाउट स्लीव आप कुर्ती बना सकते हैं। कई सारे कपड़ों को इस तरह से जोड़कर और दो प्लेन कपड़ों को जोड़कर इस तरह की कुर्ती बनाई जा सकती है। लटकन लगाकर आप इस तरह की श्रग स्टाइल कुर्ती भी बना सकते हो, और दो तरह के कपड़ों का यूज़ करके लटकन लगाकर इस तरह की कुर्ती आप बना सकते हैं बचे हुए कपड़ों से। ये देखिए, जीन्स पर पहनने के लिए इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बचे हुए कपड़ों से बनी हुई कुर्तियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, और बनने के बाद लगता ही नहीं कि इन्हें बचे हुए कपड़ों का यूज़ करके बनाया गया है। आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो जैकेट स्टाइल कुर्ती बचे हुए कपड़ों का यूज़ करके। ये देखिए, इस तरह की फैंसी कुर्ती भी आप बना सकते हो बचे हुए एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े का यूज़ करके। आप विदाउट स्लीव इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं। दो तरह के कपड़ों का यूज़ करके इस तरह की कुर्ती को बनाया जा सकता है। प्लेन और प्रिंटेड कपड़े को मिक्स मैच करके इस तरह की कुर्ती को आप बना सकते हैं। इस तरह से कुर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं और गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। अगर आपके पास कोई कॉटन के कपड़े बचे हुए हैं, रेयन कॉटन या फिर सिंपल कॉटन, तो आप उन बचे हुए कपड़ों से इन डिज़ाइन की कुर्तियाँ बना सकते हैं, जो कि गर्मियों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कुर्ती डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन, बचे हुए कपड़ों से बनी हुई कुर्तियों की कटिंग स्टिचिंग की कई सारी वीडियोज़ हैं और प्लेलिस्ट भी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आई होप कि आपके लिए पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे न्यू वीडियो आती है इन्हीं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डेली भी मेरी वीडियोस को देख सकते हो। ये देखिए, इस तरह की कुर्ती को भी बना सकते हैं आप बचे हुए कपड़ों की मदद से। कॉटन के अगर बचे हुए कपड़े हैं तो उनसे आप इन डिज़ाइन की कुर्तियों को बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की कुर्तियां हैं और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की हुई है, तो आप देख सकते हैं। इस तरह की कुर्ती भी बहुत ही अच्छा लुक देने वाली है, और आप चाहें तो प्लेन और प्रिंटेड कपड़े का यूज़ करके इस तरह की कुर्ती को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है इन कुर्तियों का। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेश कपड़े से कुर्ती बनाएंगे तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा, और अगर आप बचे हुए दो तीन तरह के कपड़ों को मिक्स मैच करके अगर कुर्तियां बनाएंगे तो आपके कम ही पैसों में डिज़ाइनर और पार्टी वियर गर्मियों के लिए कुर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल कुर्ती लग रही है। तो इस तरह की कुर्ती आप बना सकते हैं। बॉटम के बचे हुए कपड़े का यूज़ करके भी आप कुर्ती को बना सकते हैं। इन डिज़ाइन की कुर्तियों के साथ आप किसी भी तरह के बॉटम को पहन सकते हैं, जैसे कि पैंट, प्लाजो, सरारा या फिर लेगीज या फिर पटियाला सलवार। किसी भी तरह के बॉटम को इन डिज़ाइन की कुर्तियों के साथ ईजीली मिक्स मैच करके आप पहन सकते हो। अगर आपके पास ब्लैक कलर का कोई बॉटम है, जैसे लेगी, सलवार
तो आप उनके साथ इन डिज़ाइन की कुर्तियों को पहन सकते हैं। ब्लैक कलर सभी कलर के साथ इजीली मिक्स मैच हो जाता है। और ये देखिए, इस तरह की कुर्ती भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह की कुर्ती भी आप बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। दो तरह के प्लेन कपड़ों को मिक्स मैच करके इस तरह की कुर्ती आप बना सकते हैं समर सीज़न के लिए। और ये देखिए, आप टूलिप सलवार के साथ इस तरह की बचे हुए कपड़े की कुर्ती बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की जैकेट स्टाइल कुर्ती भी आप बना सकते हो। आप चाहें तो ए लाइन कुर्ती भी बना सकते हैं, या फिर आप काप्तान कुर्ती भी बना सकते हैं। बचे हुए कपड़े को नेक पर आप लगा सकते हैं। हाफ एंड हाफ पैटर्न की कुर्ती इस तरह से आप बना सकते हो। फ्रंट स्लिट कुर्ती भी आप बना सकते हैं। आप स्लीव फुल रख सकते हैं या फिर विदाउट स्लीव भी आप कुर्ती बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, कुर्ती डिज़ाइन करती हूँ या फिर सूट डिज़ाइन करती हूँ, तो उससे रिलेटेड इमेजेस, रील्स और वीडियोस वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ। तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ जाइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है, तो भी आप वहाँ पर मुझे मैसेज या फिर DM कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्लेन और प्रिंटेड कपड़े को मिक्स मैच करके भी आप कुर्ती बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से शीयर पैटर्न में भी बना सकते हो। और आप इस तरह से कॉटन फैब्रिक से डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। आप इस तरह की लेयर वाली कुर्ती बना सकते हैं डोरी लगाकर, और दो तीन तरह के कपड़ों का यूज़ करके इस तरह की कुर्ती को आप बना सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से भी लूज फिटिंग की कुर्ती बना सकते हो। फ्रेंड्स, बचे हुए कपड़े से बनने वाली कुर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक देती हैं, और बनने के बाद लगता भी नहीं कि इन्हें बचे हुए कपड़ों का यूज़ करके बनाया गया है। अगर आप सिंपल से प्लेन कपड़े से, अगर आप एक ही कपड़े से कुर्ती बनाएंगे तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। अगर आप दो तीन तरह के कपड़े को मिक्स मैच करके डिज़ाइनर और पार्टी वियर कुर्तियाँ बनाएंगे, तो आपके कम पैसे में, कम समय में डिज़ाइनर और पार्टी वियर कुर्तियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से फ्रंट स्लिट कुर्ती बना सकते हैं, या फिर ए लाइन कुर्ती लूज फिटिंग की आप बना सकते हो। आप नेक पर इस तरह से प्लेन कपड़े से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। स्लीव आप शीयर पैटर्न में या फिर नेट की आप रख सकते हैं। और आप जैकेट स्टाइल बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगे तो आप विदाउट जैकेट भी पहन सकते हो, और जैकेट के साथ भी इस टाइप की कुर्ती को पहना जा सकता है। तो ये देखिए, इस तरह से कोल्ड शोल्डर स्लीव वाली भी आप बना सकते हो। ए लाइन कुर्ती बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और किसी भी तरह के बॉटम के साथ इजीली आप पहन सकते हैं। और आप इस तरह से फ्रंट स्लिट कुर्ती बना सकते हैं, अगर कोई कॉटन का कपड़ा आपका बचा हुआ है, और इस तरह से भी आप बना सकते हैं हाइलो कट पैटर्न की कुर्ती। ये भी काफ़ी अच्छा लुक देती है। और दो तरह के कपड़ों का यूज़ करके इस तरह की कुर्ती को आसानी से बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप बचे हुए कपड़ों से ही इन कुर्तियों को बना सकती हैं। आप चाहें तो मार्केट से कपड़ा परचेज करके दो तीन तरह का, जैसे आधा मीटर या एक दो मीटर, इस तरह का कपड़ा परचेज करके भी आप कुर्ती बना सकते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए कि कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक से बढ़कर एक डिज़ाइन की कुर्ती की डिज़ाइन बताई हुई है, और सारी डिज़ाइन एक से बढ़कर एक है।
तो आप ज़रूर इन डिज़ाइन की कुर्तियों को ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी कुर्ती की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।